हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप जो है फर्स्ट टाइम फ्लाइट से सफर करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, नहीं तो आपकी जो फ्लाइट है मिस हो सकती है, मतलब छूट सकती है। देखिए दोस्तों, बहुत लोग जो है ना फ्लाइट के टिकट पे जो टाइमिंग होता है उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे लोगों से पूछने लगते हैं कि भाई हमारा जो फ्लाइट की टाइमिंग है कितने बजे है, टिकट दिखाने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सही जानकारी बताऊंगा जिससे दोस्तों आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है फ्लाइट का जो है टिकट ले रहे हैं तो उसमें टाइम लिखा है 20:35, तो समझ लीजिएगा कि शाम को जो है 8:35। अगर जैसे कि 20:35 PM लिखा रहेगा तो दोस्तों शाम को होता है। अगर दोस्तों वहीं रात को जैसे कि 2:30 जैसे कि AM लिखा है तो समझ लीजिएगा कि जैसे कि सुबह में, जैसे कि रात को होता है ना 2:35, तो दोस्तों सुबह में टाइम जोड़ा जाता है, समझ लीजिएगा इस बात को। जैसे कि दोस्तों दिन के 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे जो भी टाइमिंग आता है, फ्लाइट वाले क्या करते हैं, जैसे कि 1 बजा रहेगा तो दोस्तों उस पे लिखते हैं 13, जैसे कि 2 बजा रहेगा तो 14 लिखते हैं, 14 PM, इस तरीके से होता है। वहीं दोस्तों रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जो भी टाइमिंग होता है, 1 से लेकर 12 बजे तक जो है 12 तक गिना जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें दोस्तों AM जोड़ा जाता है क्योंकि ये सुबह का टाइम हो गया है। बहुत लोग क्या साथ होता है कि टाइमिंग को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि AM जो होता है वो रात तो होता है कि दिन होता है। तो AM दोस्तों सुबह का टाइम होता है और जो PM होता है दोस्तों, दिन के 12 बजे से रात को 12 बजे तक PM जो है रात को बोला जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है और आपके साथ जो है इस तरीके से कभी भी नहीं होगा, दूसरे से आप कभी भी जो है नहीं पूछोगे। अगर आपको सही जानकारी होगी तो आपकी फ्लाइट जो है नहीं छूटेगी, समझ आए आपको। तो दोस्तों इन चीजों को आपको ध्यान देना है और कभी भी जो है जैसे कि आप फ्लाइट से चाहे ट्रेन से आप सफर करते हो तो ट्रेन में चाहे फ्लाइट के जो टिकट का टाइमिंग होता है दोस्तों वो 24 से जो है जोड़ा जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे कि 12 बजे के बाद 1, 2, 3 जैसे जोड़ते हैं, वो लोग ऐसे नहीं जोड़ते हैं, वो लोग 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से जोड़ते हैं। तो आई होप कि मैंने जो आप लोगों को जानकारी दिया पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इस भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यही करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।